फारसी समुदाय पश्चिम गुजरात में आकर वहाँ के राजा से निवेदन किए कि हम जहाँ पर अपना बसेरा किए थे वहाँ कई कष्ट के कारण हमको छोड़कर यहाँ आना पड़ रहा है, कृपा करके हमें यहाँ बसने दीजिए। राजा एक गिलास दूध लेके आए और उनके सामने प्रस्तुत किए और कहते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा पूरा भरा हुआ है और कोई जगह नहीं है। राजा के मन में कुछ शंका थी कि नए लोग हैं, आएंगे, इनका व्यवहार कैसा रहेगा और समाज में इसका क्या असर पड़ेगा। इसलिए राजा ने भरे हुए दूध का गिलास उनको दिखा दिया और कह दिया, प्रवेश निषेध, कोई स्थान नहीं, सब कुछ भरा हुआ है। इसको देखकर पारसियों के नेता ने कुछ शक्कर लिया और उस शक्कर को लाकर उस दूध में घोल दिया और राजा को कहा, इसका आप स्वाद लीजिए। राजा ने कहा, बड़ा मीठा है। तो पारसी समुदाय के नेता ने कहा, अगर आप हमारे समुदाय को यहाँ आकर रहने का अवसर देंगे तो हम भी इसी प्रकार मिठास घोल देंगे। हम रहेंगे, कष्ट नहीं देंगे, मिठास लाएंगे और बिल्कुल घुल मिल जाएंगे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को कभी कष्ट न हो और जो बुद्धिमत्ता के आधार पर हो, शास्त्र के आधार पर हो। जब हम अपने वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें और ऐसे नियंत्रित वाणी से हम दूसरों को संदेश दें तो ये संदेश दूसरों के हृदय को स्पर्श करता है। और हम देखते हैं कि जब पारसी समुदाय के नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा तो राजा उसको मना नहीं कर पाए। आइए हम अपने वाक शक्ति का सदुपयोग करें और मानव जीवन को सफल बनाएं।